ये कहानी एक ऐसे माफिया की है जो 20 साल से गुमनाम जिंदगी जी रहा था और एक छोटी सी गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। तो आइए कहानी में देखते हैं। कहानी शुरू होती है सोफिया को दिखाते हुए, जिसका आज आइस हॉकी गेम में फाइनल मैच था। उसका मैच देखने उसके माता पिता दोनों आए थे, जिनका नाम सांतो और इनग्रीड है। मैच खत्म होता है और सोफिया टीम को जिता देती है। वो बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड हाकिम से मिलती है। दूर खड़े उसके माता पिता ये देख रहे होते हैं। सोफिया अपने फादर के पास आकर कहती है, आपने वादा किया था अगर मैं मैच जीती तो आप मुझे ड्राइव करना सिखाएंगे, जिसपे सांतो हाँ करता है और वो घर चले जाते हैं। सांतो अपनी लाइफ में ज्यादा सोशल नहीं था, उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था और उसकी पिछली जिंदगी कैसी थी ये सिर्फ वही जानता था। अब वादे के मुताबिक वो अपनी बेटी को ड्राइव करना सिखाता है। यहाँ वो उसे जंगल के रास्ते ड्राइव करने को कहता है और ऑफ रोड ड्राइविंग में माहिर बनाता है। वो दोनों एक जगह गाड़ी रोकते हैं। अब हम देखते हैं वो एक जगह बैठ अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। शाम होने को चली थी और वो जाने लगते हैं। सोफिया कहती है इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए क्यों ना एक सेल्फी ली जाए। सांतो मना करता है और चलने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता इस फोटो की वजह से वो दिक्कत में आए। वापस गाड़ी के पास आ सांतो मिरर ठीक करता है, जो कि आते समय टूट गया था। तभी सोफिया उसकी एक तस्वीर खींच अपनी स्टोरी में लगा देती है, जिसकी वजह से उसके पुराने दुश्मन कुछ ही देर में उसे ढूंढ लेते हैं। उनके मेन लीडर का नाम डॉन एंजेलो है। वो सांतो और उसके परिवार को मारने के लिए दो लोगों को भेजता है। सांतो को कोई ढूंढ डाले, इसलिए वो सोशल मीडिया से दूर रहता था और एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब सब खतरे में था और उसे भनक तक नहीं थी। अब हम देखते हैं सांतो अपनी जॉब पर था, तभी मशीन खराब हो जाती है, जिसपे सांतो अपने पार्टनर से कहता है तुम घर जाओ और रास्ते में सोफिया को स्कूल से घर छोड़ते हुए जाना, ये मैं आज ठीक कर लूंगा। उसका पार्टनर ऐसा ही करता है। वो सोफिया को घर ले आता है। सोफिया अपने कपड़े धोने के लिए ऊपर चली जाती है। वही इनग्रीड सांतो के दोस्त से मिलती है, वो उसके लिए कॉफी बनाने जाती है। तभी घर में दो अनजान लोगों की एंट्री होती है, जिनके हाथ में हथियार और सर पर कैमरा लगा था। वो इनग्रीड को देखते हैं और मारना शुरू करते हैं। सांतो का दोस्त उसे बचाने आता है, लेकिन वो उसे भी मारते हैं और देखते ही देखते वो उन दोनों को मार देते हैं। उनकी आवाज सुन सोफिया वहाँ जाती है, जहाँ वो देखती है उसकी मदर को किसी ने मार दिया है। तभी उसमें से एक किलर उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सोफिया यहाँ से भाग जाती है। अब वो दोनों किलर सोफिया को किसी भी हालत में मारना चाहते थे, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। रात होने को चली थी। सांतो भी अब घर आता है। वो देखता है दरवाजा खुला है और उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है। वो इनग्रीड को देख उसकी तरफ जाता है। वो उसे देख रोता है कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी वहाँ सोफिया आती है, जिसे देख सांतो वहाँ से चलने को कहता है। वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो उसे एक खंडहर जगह पर ले जाता है, जो उससे पहले से ही प्लान की थी कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो वो यहीं छुपेंगे। दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं, जिसका नाम रूडी है। वो डॉन एंजेलो को बताता है मैंने उसे मार दिया है, लेकिन उसकी बेटी बच गई है। एंजेलो उसे अपने पास आने को कहता है। अब हम देखते हैं सांतो अपने बाल काट लेता है और अपने लुक को पूरी तरह चेंज कर लेता है, ताकि उसे कोई पहचान न सके। वो एक लॉकर खोलता है, जिसमें पैसे मोबाइल काफी सारी सामान रखे थे, साथ एक किताब भी। तभी वह सोफिया उसे पूछती है आखिर ये लोग कौन है, इन्होंने मॉम को क्यों मारा। जिसपे सांतो अपनी सारी हकीकत सोफिया को बता देता है। वो कहता है मैंने एक माफिया के घर में जन्म लिया था, हमारा काम लोगों को मारना था, उनके परिवार खत्म करना था। हमारे घर के रूल्स होते हैं, मारो या मरो, लेकिन ये काम मत छोड़ो। तुम्हारी मॉम के मिलने के बाद मैंने ये सब छोड़ दिया और एक आम खुशहाल जिंदगी जीने लगा, तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। सांतो उसे अपना असली नाम डोमेनिको बताता है। यहाँ सोफिया को समझ आता है उसने जो इमेज क्लिक की थी उसकी वजह से आज वो मुसीबत में है। वहीं दूसरी तरफ रूडी अपने बॉस को वो वीडियो दिखाता है, जिसमें डॉन एंजेलो कहता है ये सांतो नहीं है, उसे ढूंढकर खत्म करो, अगर वो जिंदा रहा तो वो हम सबको मार देगा। अब हम देखते हैं सांतो अपना सामान रखता है और अपना बदला लेने के लिए निकलता है। वो सोफिया को एक फोन देता है और कहता है जब इमरजेंसी हो तभी फोन करना, और वो वहाँ से चला जाता है। काफी टाइम बीत जाता है, सोफिया फोन देख सोचती है कि वो कॉल करे, लेकिन वो यहाँ हाकिम को कॉल कर देती है और सब बता देती है कि वो कहाँ पे है। इधर डॉन एंजेलो के लोगों को भी पता लग जाता है कि सोफिया कहाँ है। अब हाकिम अपने घर से निकलता है सोफिया को लेने के लिए। वो जल्द ही उसके पास पहुँच जाता है। वो दोनों मिलते हैं। हाकिम उसे जंगल के रास्ते ले निकल जाता है। जब वो रोड पर पहुँचते हैं तभी उन्हें एक कार क्रॉस करती है और उसमें कोई और नहीं किलर होता है, जो उनका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ सांतो वापिस आता है, उसे सोफिया नहीं मिलती। वो तुरंत उसकी तलाश में निकल जाता है। वहीं हाकिम की बाइक एक जगह टकरा गिर जाती है, जहाँ किलर उतर उसे बिना सोचे समझे मार देता है और सोफिया को पकड़ उसका मुंह हाथ बांध गाड़ी में रखता है और तुरंत वहाँ से निकलता है। तभी वहाँ सांतो आ जाता है, वो उसे मारता है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। सांतो को चाकू लग जाता है, वो घायल हो चुका था। वहीं किसी तरह सोफिया कार से बाहर आ जाती है और किलर के पीछे मारती है, जिसका फायदा उठा सांतो उस पर टूट पड़ता है और उसे शूट कर मार देता है। अब हमें डॉन एंजेलो और उसका बेटा माइकल दिखाया जाता है, जो अपने पिता को समझाता है कि पुरानी लड़ाई में कुछ नहीं रखा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस बात पर एंजेलो
गुस्सा करता है और कहता है सांतो ने गलत बेटा मार दिया। दरअसल सांतो ने 20 साल पहले एंजेलो के बड़े बेटे को मार दिया था, जिसका बदला वो आज तक लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सांतो और सोफिया किसी सुनसान जगह की तलाश में है। सांतो का बहुत खून बह गया है, वो गाड़ी भी ठीक से नहीं चला सकता। अब वो एक जगह रुकते हैं, यहाँ सांतो अपने जख्म को साफ करता है तो सोफिया स्टोर में कुछ जरूरी दवाई लेती है। तभी टीवी पर उसके पिता और उसकी न्यूज आती है, जिसे देख वो वहाँ से निकलती है। वो अपने पिता को सामान देती है, सांतो अपना घाव साफ कर बाहर आता है। इस बार गाड़ी सोफिया चलाती है, वो उसे जगह बताता है। अब इन दोनों को चलते हुए काफी रात हो चुकी थी, ये एक जगह रुकते हैं और अपनी गाड़ी चेंज करते हैं। वो किसी की कार चुराते हैं और यहाँ से मिलान शहर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ डॉन एंजेलो रहता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजेलो एक बार फिर डॉक्टर फरारियो से मदद मांगता है ताकि वो ट्रैक कर सके सांतो कहाँ है। फरारियो एक ऑफिसर है जो साइबर डिपार्टमेंट में काम करता है और वो मान जाता है। चारों तरफ बस सांतो और सोफिया की न्यूज थी, पुलिस उसे ढूंढ रही थी। अब वो एक जगह रुकते हैं, सांतो यहाँ घर में जाता है जो कि काफी सालों से बंद पड़ा था। सोफिया भी उसके मैसेज को देख उस जगह जाती है। वो अंदर जा देखती है सांतो अब बहुत तकलीफ में है, उसका घाव बहुत बढ़ गया है। सांतो बेहोश हो जाता है, जिसको देख सोफिया पागल हो जाती है। वो कुछ पैसे ले बाहर निकलती है ताकि किसी को मदद के लिए ला सके। वो एक स्टोर के पास पहुंचती है जहां कुछ लोग उसे देखते हैं। वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ पैसे देकर मना लेती है। उसके बाद वो सभी लोग सांतो का ट्रीटमेंट करते हैं। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान सांतो सिर्फ इनग्रीड और सोफिया को सोचता है कि जब वो पैदा हुई थी। अब हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है, सांतो को होश आता है, वो सोफिया से माफी मांगता है इन सब चीजों के लिए। अब सोफिया भी अपने पिता को समझने लगी थी। सांतो सोफिया से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। वही फरारियो पता लगा लेता है सांतो कहाँ है। रूडी और उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो लोग जा चुके थे। फरारियो रूडी को एक बार फिर उनकी प्रेजेंट लोकेशन बताता है। रूडी अपने साथी के साथ उस जगह पहुँचता है और वहाँ के एम्प्लॉय कुमार अंदर घुसता है। दूसरी तरफ सोफिया एक गाड़ी चुराती है, जिसे वो सांतो के बताए तरीके से चालू कर लेती है। रूडी सांतो को ढूंढता हुआ काफी आगे आ चुका था, तभी उसे वहाँ सांतो नजर आता है। वो उसके पीछे गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ता है। एक जगह उन दोनों की लड़ाई होती है। रूडी कहता है मैं तुझे भी वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तेरी बीवी को मारा था। इस बात पे सांतो काफी गुस्सा करता है और उसे इतना मारता है कि रूडी वहाँ से भाग जाता है। वही सोफिया भी उस जगह पहुँच जाती है, तभी किलर उसे देख लेता है और हाथ ऊपर करने को कहता है, लेकिन मौके पर उसकी गोली की आवाज सांतो सुन लेता है और उसे शूट कर मार देता है। उन्हें कोई और न ढूंढ ले इससे पहले वो वहाँ से निकल जाते हैं। एक बार फिर वो एक खाली जगह रुकते हैं। यहाँ सांतो बम बनाता है और सोफिया को ट्रेनिंग भी देता है कि कठिन परिस्थिति में खुद को कैसे बचाना है। काफी समय बीत जाता है। अब हम देखते हैं सोफिया और सांतो माइकल को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं सोफिया माइकल के ऑफिस जाती है, वहाँ काफी सिक्योरिटी थी। वो सभी की इमेज क्लिक करती है, तभी वहाँ एक गार्ड उसे जाने को कहता है। इस चीज का फायदा उठा सांतो एक गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी में आता है उसे गन पॉइंट कर चुपचाप चलाने को कहता है ताकि वो अंदर घुस सके। अब सांतो बिना किसी के भनक के माइकल के ऑफिस में एंटर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया अपना काम करती है, वो एक कचरे के डब्बे में बम डालती है ताकि सबका ध्यान भटक जाए और सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है। सांतो माइकल को गन पॉइंट कर उसे लेकर वहाँ से निकलता है। दो गार्ड अभी भी उसके पीछे पड़े थे। सोफिया गाड़ी चालू करती है, तभी एक गार्ड उसके आगे आ जाता है जिसे वो उड़ा देती है। यहाँ सांतो और गार्ड के बीच काफी गोलियां चलती हैं, लेकिन सही मौके पर सोफिया कार ले पहुंच जाती है। सांतो उसे इंस्ट्रक्शन देता है और वो दोनों किसी तरह माइकल को ले वहाँ से निकल जाते हैं। प्लान सक्सेसफुल होता है। अब हम देखते हैं सांतो माइकल की फोटो क्लिक करता है और उसी के फोन से डॉन एंजेलो को उसकी फोटो भेजता है। सांतो सोफिया से कहता है ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, फिर हम यहाँ से दूर चलेंगे। अब वो वहाँ से माइकल का फोन लेकर निकल जाता है ताकि एंजेलो अपने गुंडे उसके पीछे भेज दे और वो सबको खत्म कर सके। अब हमें एक बार फिर डॉन एंजेलो को दिखाया जाता है, जिसे पता चल चुका है कि सांतो ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। सांतो उसके लिए एक मैसेज भी देता है और कहता है खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इसकी बॉडी में एक भी ऑर्गन्स नहीं बचेंगे। वो कहता है तुम्हारे साथ जितने भी पॉलिटिशियन और ऑफिसर काम करते हैं सबका नाम टीवी पर होना चाहिए, अगर ऐसा किया तो तुम्हें पता है माइकल को कहां से ले जाना है। अब एंजेलो एक बार फिर फरारियों का सहारा लेता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करवाता है। वो रूडी को कहता है इस बार उसकी लाश लिए बिना मत आना। यहाँ रूडी अपने साथ बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड किलर ले जाता है जो कभी सांतो के साथ काम कर चुके थे। अब वो सभी उसे ढूंढते हुए पुराने रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं जहाँ उन्हें माइकल की वैन नजर आती है। वो उसमें देखते हैं लेकिन वैन अंदर से बंद थी। तभी सांतो उनमें से एक को शूट करता है और वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। सांतो बहुत ही सूझबूझ के साथ उन सभी को एक एक करके खत्म कर रहा था, क्योंकि ये जगह उसकी चुनी हुई थी इसलिए वो उन सब पर भारी पड़ रहा था। अब सबको मारने के बाद उसका मुकाबला रूडी से होता है। सांतो उसे चकमा दे फंसा देता है और उसे चाकू से हमला कर मार देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसकी वाइफ को मारा था। सांतो वहां से निकल पड़ता है डॉन एंजेलो के घर। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल सोफिया से पानी मांगता है। वो उसे पानी पिलाती है और पूछती है तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारा पाप डॉन है। माइकल कहता है तुम्हें भी तो तुम्हारे पापा के बारे में नहीं पता था। ये बात सुन सोफिया सहम जाती है। माइकल अब उसे मेंटली रूप से कमजोर करना चाहता था ताकि वो उसे खोल दे और जाने दे। तभी उसे फोन आता है। सामने से सांतो कहता है सब गड़बड़ हो गई बेटा, मुझे माफ करना। वो बता देता है कि वो डॉन एंजेलो के घर जा रहा है उसे मारने के लिए। जितनी देर में वो बात खत्म करता उतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और माइकल को छुड़ा लेती है। सोफिया सांतो को उठाए कदम पर बहुत रोती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। दूसरी तरफ सांतो डॉन एंजेलो के घर पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे करके सबको मारता है
और अंदर पहुंच जाता है। उसके सामने एंजेलो बैठा था। सांतो बिना कुछ समझे डॉन एंजेलो का गला एक रस्सी से दबाकर मार देता है और बाहर की तरफ जाता है। वहाँ पहले से ही काफी मिलिट्री पहुंच चुकी थी। सांतो एक छोटी सी हरकत करता है और वो सभी उसे शूट कर मार देते हैं और इस तरह सांतो का जीवन खत्म होता है। अब हम 6 महीने बाद देखते हैं, सोफिया को चाइल्ड जेल में रखा गया था और जब वो 19 साल की हो जाएगी सरकार उसकी सजा खत्म कर उसे रिहा कर देगी। एक दिन जेल में उससे मिलने के लिए माइकल वहाँ आता है। वो उसे डील देता है कि वो अपनी लाइफ सेट करे, वो उसे खूब पैसा देगा और वो कहता है अब हमारी दुश्मनी खत्म, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। वो उसे अपना कार्ड देता है कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकती हो, लेकिन सोफिया उसे इस डील से मना कर देती है। अब माइकल बाहर आ फरारियों से कहता है जैसे ही वो रिहा हो उसे मार देना। आज सोफिया पूरी 19 साल की हो चुकी है और वो जेल से बाहर आने वाली थी, लेकिन वो जेल से एक दिन पहले ही निकल जाती है और सीधा माइकल के ऑफिस पहुंच जाती है। तभी माइकल अपने ऑफिस में आता है, वो देखता है सोफिया वहाँ पहले से बैठी हुई है। तभी सोफिया माइकल के पास आती है और उसे कहती है हम दोनों एक साथ कुछ कर सकते हैं। माइकल को लगता है कि शायद सोफिया उसकी डील को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। माइकल कहता है मैं तुम्हारी कैसी मदद करूं। तभी वो अपना चाकू निकाल माइकल को मार देती है और कहती है जंग अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंस देता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।